राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान जल्द होने वाला है। इसकी तैयारियां बीजेपी ने बजट के साथ ही शुरू कर दी थी। वहीं खींवसर सीट पर बीजेपी की निगाहें टिकी हुई है। ऐसे में नागौर सीट में बीजेपी एक्टिव दिख रही है, क्योंकि ये हनुमान बेनीवाल का गढ़ है। इस वजह से केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ एक्टिव दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उपचुनाव की तैयारियों के बीच नागौर पहुंचे। इस दौरान पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही सीपी जोशी ने बैठक में नेताओं को भरोसा दिलाया कि उपचुनाव में अच्छे परिणाम आएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान की 5 सीटें खाली हुई है। इनमें दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, झुंझुनू और 84 विधानसभा सीट शामिल है। 2023 के विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों में से 3 पर कांग्रेस, 1 पर आरएलपी और 1 पर बाप ने जीत हासिल की थी। ऐसे में भाजपा इन सीटों पर जीत का टारगेट लेकर चल रही है। इसको लेकर स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। बता दें, 2 दिन पहले भाजपा कार्य समिति की बैठक में राजस्थान भाजपा के दिग्गज नेता समेत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए थे। इस बीच सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उपचुनाव वाली सभी 5 सीटों के प्रभारियों को स्थानीय स्तर पर बैठक लेने और प्रत्याशियों के नामों पर रायशुमारी करने के निर्देश जारी कर दिए, ताकि समय पर जीता उम्मीदवार का इंतखाब किया जा सके। इसके साथ ही नागौर में सीपी जोशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर खींवसर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी तमाम दावों और अटकलों के बाद भी प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है, उपचुनाव में भी अच्छे परिणाम आएंगे। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी मीडिया। शुक्रिया।